अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका. कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा. सतत प्रगतीच्या दिशेने पावले टाका. सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा जागे व्हा. थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. आपको जो भूख दी गई है दिन भरा इसको आप पढ़ने पढ़ना इससे आपको फायदा होगा. मैं आपका सिर्फ 15 से 20 मिनट समय लूंगा और ये 15 से 20 मिनट समय आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी नजर में आप सभी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं. चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ या ना? मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी सच्ची घटना से करता हूँ. 1963 की बात थी. अमेरिका के स्लम एरिया में, अमेरिका के झोपड़पट्टी में एक बालक ने जन्म लिया था, माइकल जॉर्डन. आप लोगों ने नाम सुना माइकल जॉर्डन का? माइकल जॉर्डन एक गरीब परिवार में जन्म लिया. माइकल जॉर्डन की जब उम्र 13 साल थी उसके पिताजी आए और माइकल जॉर्डन से पूछा, बेटा उदास क्यों बैठा है? माइकल जॉर्डन ने कहा, पिताजी हमारे पास खाने को अच्छा खाना नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, पहनने को अच्छा खिलौना नहीं है, उदास नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? कि हमारे पास खेलने को अच्छा खिलौना नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, खाने को अच्छा खाना नहीं, ते घूम दे रहा हूं. सफल हो गया. घर आया, पिताजी दोबारा आए और बोले, बेटा हमारे पास ऐसी 6 टी शर्ट और है, क्या तुम इस टी शर्ट को प्रतिदिन जाकर बेच सकते हो? तुम्हारा परिवार गरीब है, इससे तुम्हारे परिवार को मदद मिलेगी. माइकल जॉर्डन प्रतिदिन रेलवे सबवे स्टेशन पर जाता और उस टी शर्ट को $2 में बेच कर आता. दिन गुजरते गए. एक हफ्ते के बाद माइकल जॉर्डन के पिता दोबारा आए और बोले, बेटा क्या तुम इस टी शर्ट को $20 में बेच सकते? माइकल जॉर्डन ने कहा, पिताजी बड़ी मुश्किल से $1 के पुराने टी शर्ट को $2 में बेच पाया हूँ, $20 में बेचना असंभव है. पिता ने दोबारा पुत्र से कहा, बेटा अगर तुम $20 में बेच पाए तो इससे परिवार को मदद मिलेगी. माइकल जॉर्डन सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये टी शर्ट $20 में बिक जाए. तभी उसे ख्याल आया कि उसका एक दोस्त था, आर्टिस्ट था, पेंटर था. माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को लेकर अपने दोस्त के पास गया और बोला, इस टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस की पेंटिंग बना दो. अगर ये टी शर्ट $20 में बिक गई तो मैं तुम्हें भी $1 दूंगा. उसके दोस्त ने उस टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस की पेंटिंग बना दी. माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को लेकर एक स्कूल के बाहर गया. स्कूल के बाहर एक ड्राइवर एक टीचर का के बेटे का इंतजार कर रहा था. उसे पता था कि टीचर के बेटे को मिक्की माउस से काफी प्रेम है. उसने उस टी शर्ट को $20 में परचेज कर लिया. माइकल जॉर्डन घर आया
काफी खुश था, काफी एक्साइटेड था। दिन गुजरते गए, पिताजी एक महीने के बाद दोबारा आए और बोले, बेटा क्या तुम इस टी शर्ट को $200 में बेच सकते हो? इस बार माइकल जॉर्डन ने कोई निगेटिव बातें नहीं की, पिता से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जान चुका था कि अगर प्रयास किया जाए तो $1 के टी शर्ट को $2 में और फिर $1 के टी शर्ट को $20 में बेचा जा सकता है। वो सोचता रहा और सोचते सोचते उसे ध्यान आया, अमेरिका में उस समय एक पिक्चर रिलीज हुई थी चार्ली जेंजिंस, और उसकी हीरोइन थी फरहा फासेट, जो उसके शहर में आने वाली थी। माइकल जॉर्डन फरहा फासेट के पास गया और बोला, मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ, इस टी शर्ट के ऊपर आप अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए, अपने सिग्नेचर कर दीजिए। फरहा फासेट ने उस टी शर्ट के ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दिए, अपने सिग्नेचर कर दिए। माइकल जॉर्डन उस टी शर्ट को ले करके भीड़ में गया और चिल्लाने लगा, टी शर्ट विद द सिग्नेचर ऑफ फरहा फासेट एट $200, टी शर्ट विद द सिग्नेचर ऑफ फरहा फासेट विद $200। चार पांच लोग इकट्ठा हो गए, कोई बोला मुझे दे दो, कोई बोला मुझे दे दो, कोई बोला मुझे दे दो। माइकल जॉर्डन ने ऑन द स्पॉट उस टी शर्ट की बिडिंग शुरू कर दी, बोली लगानी शुरू कर दी। बोली समझते ना, किसी ने बोला $200, किसी ने बोला $300, किसी ने 400, किसी ने 500, और अंत में वो टी शर्ट $1200 में बिकी। कितने में बिकी? माइकल जॉर्डन घर आया, काफी खुश था, काफी एक्साइटेड था। पिताजी पूछे, बेटा इससे तुम्हें क्या सीख मिले? माइकल जॉर्डन ने बोला, पिताजी मुझे इससे ये सीख मिली कि जहाँ चाह वहाँ राह। पिता ने बोला, बेटा यही सीख काफी नहीं, इससे ये सीख मिलती है कि जब तुम एक पुराने टी शर्ट को जिसकी कीमत $1 थी, अपने प्रयास से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से उसकी वैल्यू को एडिशन करके $1200 में बेच सकते हो, तो तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम्हारे पास जो दिमाग है और तुम्हारे पास जो समय है, तुम अपनी शक्ति का, अपने दिमाग का, अपने समय का उपयोग करके तुम भी अपना मूल्य बढ़ा सकते हो और अपने आप को काफी ऊपर लेकर जा सकते हो। माइकल जॉर्डन के पास दो सच्चाई थी। एक सच्चाई थी कि माइकल जॉर्डन झोपड़पट्टी में रहता था, उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी। आप लोग बोलिएगा, उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी, अच्छा स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, और जब कुछ था ही नहीं तो माइकल जॉर्डन आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी सच्चाई ये थी कि माइकल जॉर्डन के पास दिमाग था, माइकल जॉर्डन के पास 24 घंटा समय था, और माइकल जॉर्डन के पास एनर्जी थी, ताकत थी, और माइकल जॉर्डन अपने दिमाग का, अपने समय का, अपनी एनर्जी का उपयोग करके अपने मूल्य को बढ़ा सकता था, अपने आप को ऊपर लेकर जा सकता था। दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का, दिमाग में कोई अंतर होता है क्या? नहीं। अगर गरीब बच्चे का दिमाग भी पढ़ाई में लगे तो वो आगे बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकता? समय 24 घंटा सबके पास होता है, एक जानवर के पास भी होता, एक गरीब बच्चे के पास भी होता, एक अमीर बच्चे के पास भी होता, एक आतंकवादी के पास भी होता और एक कमांडो के पास भी होता। एक आतंकवादी समझते ना, एक आतंकवादी अपना समय कहाँ लगाता?
लोगों को मारने में लगा था। कहाँ लगा था? लोगों को मारने। और उसी समय को एक कमांडो काम लगा था, लोगों को बचाने में लगा था। मुंबई की घटना आप लोगों को याद होगी, पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आए थे और दिल्ली से कुछ कमांडो आए थे। 36 घंटे तक वो दिल्ली के कमांडो होटल ताज की तरफ देखते रहे, कहीं इधर उधर नहीं गए, अनुशासन के साथ काम किया और आतंकवादियों को मार दिया। देखो बंदूक वही होती है, जब एक आतंकवादी के हाथ में जाती है तो आतंकवादी उस बंदूक से लोगों को आपको बोलिए मारता है। और वही बंदूक जब एक कमांडो के पास जाती है, कमांडो उस बंदूक से लोगों को बचाता है। बंदूक तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप उसका उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं ये भी उपयोग है, जरूरी है। माइकल जॉर्डन ने दूसरी सच्चाई को स्वीकार किया और उसने अपने दिमाग का, अपने समय का, अपनी एनर्जी का उपयोग करना शुरू किया। अपने आजू बाजू के स्लम के झोपड़पट्टी के बाकी बच्चों को नहीं देखा और माइकल जॉर्डन अमेरिका के बास्केटबॉल टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी बना और उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं। माइकल जॉर्डन एक झोपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा जब ये कर सकता तो क्या हम नहीं कर सकते? यस और नो? आज हमारे पास तो माइकल जॉर्डन से ज्यादा साधन है या नहीं है? अगर हम अपने समय का उपयोग करें तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन सच्चाई क्या है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखता है। रात के अंधेरे में रस्सी डटती है, कई लोग उसको क्या समझ बैठते? सांप। जबकि वास्तव में है क्या? रस्सी। हमारे पास अवसर होते हैं, हमारे पास अवसर, लेकिन अगर हम नहीं देखना चाहें तो हमें वो दिखाई नहीं देते। कई बार टीचर हमें क्लास में पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाई समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे सोचते कि टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे और वो अपना ध्यान देना कम कर देते और उनको पढ़ाई समझ में आना बंद हो जाती। और कुछ बच्चे ये सोचते कि हम ध्यान कम दे रहे हैं, वो बच्चे अपना ध्यान बढ़ा देते और जैसे ही वो ध्यान बढ़ाते उनको पढ़ाई समझ में आने लगती और पढ़ाई समझ में आने के कारण वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम किस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। जेल के अंदर आदमी बंद थे, कैदी बंद थे। एक कैदी ने जेल के अंदर से बाहर देखा, उसने आसमान देखा और आसमान में चमकते हुए तारे देखे और उसने सोचा कि दुनिया कितनी सुंदर है और इस दुनिया को और सुंदर बनाएंगे। आप लोग बोलिए, अगर गलत भी बोला तो कोई हर्ज नहीं है। बचपन में चलने के पहले कितने बार गिरे थे? लेकिन बार बार प्रयास किया, चलना सीख गए। आज भी बोलने में हेजिटेट मत कीजिए, गलती होगी तो होगी। एक कैदी ने आसमान के ऊपर सितारे देखे और उसने सोचा कि दुनिया कितनी सुंदर है और इस दुनिया को और सुंदर बनाएंगे। और एक कैदी ने जमीन पर देखा और जमीन पर पड़ी हुई गंदगी को देखा और उसने सोचा कि दुनिया कितनी गंदी है, कहां कहां से गंदगी साफ करेंगे। कैदी दोनों कहां था? जेल के अंदर। दोनों बाहर देख रहा, एक आसमान देख रहा, जमीन पर पड़ी गंदगी देख रहा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता कि आप क्या देखते और क्या देखना चाहते। अगर आप चाहेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा।
और अगर आप चाहेंगे कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है तो आगे नहीं बढ़ने के आपको बहुत सारे कारण दिखेंगे। एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है क्या? एक गुब्बारा बेचने वाला था, क्या बेचता था? गुब्बारा। जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारों को हवा में उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और जाकर गुब्बारा खरीदते। आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में खरीदने की इच्छा होती है, हाँ या ना? हाँ। एक दिन गुब्बारे वाले के पास काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? काला। और गुब्बारे वाले के शर्ट को नॉक किया, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते, क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? उड़ेगा। गुब्बारे वाले की आंख भर आई, बोला बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर हम काले गुब्बारे में भी गैस भरेंगे तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। उसी तरीके से आप बच्चे भी, अगर आपके मन में इच्छा हो आगे बढ़ने की तो आप भी आगे बढ़ेंगे। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उड़ेगा। आप देखो, आप में से कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है, आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा कितनी है। आप सभी बच्चे गुब्बारे की तरह हैं और किताब जो है वो गैस की तरह है। जिस तरीके से हम गैस को गुब्बारे में भर दें तो गुब्बारा उठता है, उसी तरीके से अगर आप बच्चे भी अगर किताबें पढ़ें, अपने दिमाग को किताब में लगाएं तो आप ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप सभी बच्चे सफल हैं, आप लोग अपने आप को सफल मानते हैं क्या? देखो, बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप गिरने के बाद फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? नहीं। जब आपने एक इतना शुरू किया था तो एक के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था और प्रैक्टिस करते करते आप एक लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है, आज भी आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? हम। अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे आप बताओ? ठीक है, आप नीचे देखो। जितने भी महान व्यक्ति हुए, जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? मिला। अभ्यास मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? चालू रखा। अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं। जितने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, आगे बढ़ना है, आप उठाओ। ठीक है, आपको क्या करना, प्रयास चालू रखना या बंद करना? प्रयास चालू रखना। अब आपसे मैं लास्ट प्रश्न करता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है। आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि उसको जीवन में क्या बनना है, सोचा है या नहीं सोचा है? आपने क्या सोचा है बेटा? आपने नहीं सोचा? आपने कुछ सोचा? आपने कुछ सोचा? आपने? ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने कुछ न कुछ सोचा होगा, सोचा या नहीं सोचा? सोचा। और अगर जिन बच्चों ने नहीं सोचा वो सोच लेना,
क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप किसी बस में अगर सवार होते हैं और कंडक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ जाना है और आप बोलते कि मुझे मालूम नहीं है, तो कंडक्टर आपको कहीं का टिकट देगा क्या? नहीं। और कुछ दूर जा कर के आपको बस से नीचे उतरना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको जीवन में मालूम नहीं है कि क्या बनना है, तो आप बन पाएंगे क्या? नहीं। तो आज आपके पास पढ़ने का 5 साल 10 साल समय है। कितना समय है? 5 साल 10 साल। अगर आप 5 साल 10 साल पढ़ाई करते और जो आपने सोचा वो आप बन जाते, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? और अगर आज आप 5 साल 10 साल पढ़ाई नहीं करते और कुछ नहीं बन पाते, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए? 1 और 2। आप एक नारा बना लेना एसएमटी के लिए, आपको एक बच्चा बोलना 10 वर्ष अच्छी मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्ष अच्छा। एक बच्चा हो वो बोल 10 वर्ष अच्छी मेहनत, बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्ष अच्छा। 40 वर्ष अच्छा। 10 वर्ष अच्छी मेहनत।